ओके पिछले वीडियो में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, क्रैश हो सकता था। आई एम सॉरी, अपन यहाँ पे रिपीट करते हैं उस चीज़ को। अगर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट, नोन मिडिल पॉइंट निकालना है, तो आपको नोन मिडिल पॉइंट पता है एक्स वन कॉमा वाई वन, सर्कल का सेंटर तो हमेशा पता है, तो ये ओ एम का स्लोप पता है। ओ एम का स्लोप आपको पता है तो ये ब्लैक वाली लाइन का स्लोप पता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव इनवर्स कर देना है ना। स्लोप ऑफ ओ एम पता है अगर, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ पी क्यू। बस पी क्यू का स्लोप पता है आपको और पी क्यू पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ नोन मिडिल पॉइंट लिख दीजिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ कि इसको अपन टी इज इक्वल टू एस वन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। टी और एस वन विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स वन कॉमा वाई वन लिखना है, याद रख सकते हैं तो ठीक है, वरना आप फंडा याद रखें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको ओ पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, तो आपको ये तो ज़रूर पता है कि ओ पी का स्लोप क्या आएगा। मैंने इसका स्लोप लिख दिया, स्लोप पता है अगर आपको, तो दो खूबसूरत पॉइंट पता है आपको, स्लोप भी पता है, लिख दीजिए आराम से, है ना। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लो जो करना है आपको, दोनों से सेम आएगा। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड्स ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल अपने पास है तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड आएगा, टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट आएगा, ओके। इंटरनली टच करेंगे तो भी कॉमन टेंजेंट आएगा। उन तीनों केसेस में अगर आपको ये कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट भी एक तरीके से कॉमन कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन लिखनी, तो आप क्या करिए, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, आपको डेफिनेटली एक डिग्री वन का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये चारों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी तो आपको सिर्फ एक्स वाई के लीनियर टर्म्स मिलेंगे। वो एक लाइन है, और वो लाइन क्या है, वो जादुई लाइन जो है वो कॉमन कॉर्ड्स की इक्वेशन है या कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन है। कल को अगर आपको कोई बोलता है कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी निकाल दो यार, तो आपको मैं फंडा बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ये सर्कल का सेंटर पता है आपको। हमेशा जब भी कॉर्ड और सेंटर दिखे तो आप क्या करिए कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये वाली जो लेंथ है अपने पास ओ एम, ये भी पता है मुझे, क्यों पता है भाई, क्योंकि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। ओ एम पता है अगर आपको, तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगा सकते हैं। रेडियस पता है, ओ एम पता है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स, एक्स का डबल कर दो टू एक्स आ जाएगी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, गेटिंग द फंडा, ठीक है। सीखते चलेंगे अपन ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल। देखिए क्या होता है कि दो सर्कल के बीच में अगर मैं बोलूँ कोई एंगल होता है तो सुन के थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन क्योंकि दो लाइंस के बीच में एंगल हमको दिखाई देता है, बट दो सर्कल के बीच में एंगल हमको दिखाई नहीं देता है। उसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उस पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो उनके बीच में एक एंगल आएगा, और ये वाला जो एंगल आएगा वो कहते हैं अपन एंगल बिटवीन द टू सर्कल। मान लो किसी दिन ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो अपन क्या कहेंगे, द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो उनके टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नॉर्मल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। नॉर्मल क्या होता है, रेडियस खुद, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी डायरेक्ट पाएंगे, 2g1g2 इज इक्वल टू 2f1f2 प्लस 2c1c2, क्लियर है क्या। चलिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आप खुद ही करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। ये वाले सर्कल में आपको 4 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आपको बस 4 से डिवाइड कर देना है ताकि वो नॉर्मल इक्वेशन जो सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन है वो बन जाए। तो यहाँ तो सब कुछ कट जाएगा, इधर बाय फोर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा है कि जी वन निकाल दिया, एक्स का कोफिशेंट का आधा का नेगेटिव, आधा सिर्फ आधा, और वाई का कोफिशेंट तो यहाँ जीरो था, और सी वन के हो गया, और सेम यहाँ से जी टू एफ टू सी टू निकाल दिया। कंडीशन लगाएंगे, देखिए 2g1g2 2f1f2 इज इक्वल टू c1 plus c2, k का वैल्यू आ जाएगा, खत्म। सीकेंट ऑफ ए सर्कल पर आते हैं अपन। सीकेंट ऑफ ए सर्कल क्या कहता है कि अगर अपने पास सर्कल पर दो सीकेंट है, एक सीकेंट आपको दिख रहा होगा ए बी ये वाला, और एक सर्कल एक सीकेंट दिख रहा होगा डी सी, दोनों सीकेंट आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे ठीक से तो पॉइंट पी जो है वो दोनों सीकेंट को कुछ कुछ सेक्शन पे डिवाइड कर रहा है, और वो कैसे डिवाइड कर रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट पी सीकेंट ए बी को आपको नोटिस करना पड़ेगा, मार्कर ए और बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, पी ए और पी बी, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दूसरे वाले सीकेंट का जो सेक्शन है पी डी इंटू पी सी, उसका प्रोडक्ट। ये होता है, ये रूल होता है सीकेंट का। अगर सीकेंट मान लीजिए कि बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रूल विल स्टिल बी द सेम, उसको आप वर्चुअली ऐसे अंदर इंटरसेक्ट करता हुआ मान सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं सोचना है मत सोचो, आप ये सोचो कि पॉइंट पी ने सेकंड को पी ए
और पीबी में डिवाइड करा है और दूसरे सिकेंड को पीसी और पीडी में डिवाइड करा है. सेम प्रोडक्ट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी विल बी एप्लीकेबल हियर एज वेल. लेकिन अगर ये वाला जो सिकेंड था आपके पास, दूसरा वाला पी डी सिकेंड को आप अगर देख पा रहे हैं पी डी सिकेंड को, तो पी डी सिकेंड सी और डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. मान लीजिए वो अगर टेंजेंशियल हो गया, मान लो किसी पॉइंट पर अगर कट करने के बजाय टच करता है, तो आपके सामने एक चुनौती आ जाएगी. देखना, यहाँ पर अभी तक दो पॉइंट हुआ करते थे, पी डी और पी सी, पी सी और पी डी. अब ये सी और डी पॉइंट एक ही हो गए हैं, वो कंबाइंड सी पॉइंट के बराबर हो गया है. तो आपको क्या करना है, पी डी और पी सी की जगह पी सी और पी सी को ही दो बार लिखना है. ईजी है ना, बाकी ऊपर पी ए इंटू पी बी तो रहेगा ही, यहाँ पर पी सी स्क्वायर आ जाएगा. तो अगर एक सिकेंट होता है और एक टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट वाला जो लेंथ होगा वो उसका स्क्वायर लेंगे और सिकेंट वाले का प्रोडक्ट लेंगे. तो ये स्पेशल केस ऑफ अबव थ्योरम है, इसका प्रूफ अपने को रिवीजन में करने की जरूरत है ही नहीं. वैसे भी अगर आप प्रूफ के बिना भी प्रोसीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. नोट डाउन करते रहिए, फैमिली ऑफ सर्कल नेक्स्ट वीडियो में.